हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे। पहला ही गलत है, क्योंकि मात्र सत्तात्मक परिवार थे, समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, सही है। और बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है। और सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने का प्रयास किया, ये भी सही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वारिस शाह ने। नेक्स्ट, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहनलाल। सुमेलित करना है तो बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया, और देवगांव की संधि भोंसले, और राजपुर घाट की संधि होलकर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 DCBA। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई, सही है। वह जीरोदिन्स दल का सदस्य बना, गलत है। उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली, ये भी सही है। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये भी सही है। प्रथम राज्य जिसने पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की? इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, हैदराबाद ने। नेक्स्ट, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय का सही क्रम दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, सिंध, पंजाब और बर्मा। नेक्स्ट, जनरल गवर्नर जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन संबंधित अधिनियम बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट, संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1849 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यानी स्टॉफोर्ड क्रिप्सन भी था, पैथिंग लॉरेंस भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, लेकिन विंस्टन चर्चिल नहीं था। नेक्स्ट, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 73। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डलहौजी ने। नेक्स्ट, संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था? तो यह संघीय ढांचा भी था, नीति निर्देशक तत्व भी थे, और न्यायालय की सर्वोच्चता भी थी, लेकिन नागरिक कर्तव्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट, निम्न खलीफाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यानी पहले हो जाएगा हजरत अबू बकर, उसके बाद में यानी 3-1, फिर उसके बाद में हजरत उमर, फिर 4 यानी हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, 2-3, 2-1, 4-3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? पहला है, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार सही है, और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार सही है, और अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही है, और 25 से 28 अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित करना है सूची 1 को, सूची 2 से। तो मार्स ये युद्ध के देवता थे, और वीनस प्रेम की देवी, वेकस सूर का देवता, और नेपच्यून समुद्र का देवता। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, ABCD। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, 8वां शिलालेख, तो इसका हो जाएगा बोधगया की संबोधित यात्रा, और रुद्रनंदन सम्मेलन में करमुक्त हो जाएगा, और कंधार अभिलेख में अरेमाइक भाषा हो जाएगा, और सारनाथ लेख में अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, ABCD। नेक्स्ट, सुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथों में मिलता है? तो इसका ऑप्शन मालविका अग्निमित्रम में भी, महाभाष्य में भी, और गार्गी संहिता में। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, ABC। नेक्स्ट, सातवां शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट, सुमेलित करना है तो कालिदास नाटक कविता, और वराहमीर ज्योतिष शास्त्र, और चरक चिकित्सक, और भास्कर गणित। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2-3-1-4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म राज्य और राजा से सही सुमेलित नहीं है? तो कांची विष्णुगुप्त सही है, वेंगी कुबेर गलत है, पालक उग्रसेन सही है, और अवमुक्त नीलराज ये भी सही है। नेक्स्ट, अधोलिखित
अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में सत्य नहीं है? पहला है, वह धर्म संबंधित मामलों का प्रधान अधिकारी था। सही है। वह मंदिरों की देखभाल करता था। ये भी सही है। और वह लोगों की नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। ये भी सही है। और वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्तकाल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, स्वर्ण। नेक्स्ट, गुप्तकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उदयगिरी से। नेक्स्ट, हेंगसान की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शीलभद्र। हर्ष के दरबारी है और पदनाम है तो अवंती, इसका हो जाएगा युद्ध मंत्री। और सिंहनाथ हो जाएगा सेनापति, और कुंतल हो जाएगा अश्वरोही सेना का प्रधान, और भांडी हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, DCBA। नेक्स्ट, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम के। नेक्स्ट, पैर में कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खजुराहो से। नेक्स्ट, निम्न को सम्मिलित करना है तो तोला की पीएम यह है, तोल की पीएकर की, और शिल्पाधिकारम की है, ये इनकी है, इल्को इलंगो आदिगल की, और मणिमहकले है शीतल शीतलोन स्नार की, और जीवक है जीवक चिंतामणि है तिरुत ककदेवर की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, BCAD। नेक्स्ट, प्रथम संगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ, गलत है। अगस्त्य ने सभा की अध्यक्षता की थी। ये सही है। इस संगम में 549 सदस्य सम्मिलित थे। ये भी सही है। और 1499 विद्वानों ने अपनी रचनाओं प्रकाशित कराने कि इसमें अनुमति दी गई थी। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्न में से किन मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो उन्हें खोतान से भी, कूची से भी, कारा शहर से भी, और काशगर से भी। इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अकबर की विजय के बारे में तिथि क्रमानुसार कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चुनार, मेड़ता, रणथंबोर और कालिंजर। नेक्स्ट, हबीब अल सियार किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, मोहम्मद खान मीर ने, खादन मीर ने। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को जागीर ने कैद किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट, निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट, किसको जागीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट, मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर ने। नेक्स्ट, बागे नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाबर ने। नेक्स्ट, पुरंदर की संदरी 1665 के विषय में कौन सा सही है? तो यानी शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों को मुगलों को देने पड़ी, ये भी सही है। शिवाजी को मुगलों की मदद करनी पड़ी थी, ये भी सही है। और शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित से मुक्त रखा गया था, ये भी सही है। तो यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठा के चौथ और सरदेशमुख के अधिकार को मान्यता दी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, रफीउद्दरजात ने। नेक्स्ट, भारत में वहाई आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, सैयद अहमद बरेवली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विजयनगर में राज विद्रोह 1799 सही है, बेलूथंभी का विद्रोह 1805 सही है, सामंतवाड़ी का विद्रोह 1844 सही है, और रामोसी विद्रोह 1810 ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो अशोक मेहता, तो इसका हो जाएगा 1857, और RC मजूमदार को हो जाएगा द सेपियन इम्यूनिटी एंड द रिवोल ऑफ 1857, और SV चौधरी का हो जाएगा सिविल रिवेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटी, और SN सेन का हो जाएगा 1857। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, DBCA। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के परिणाम के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, सही है, और गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ, ये भी सही है, पेशवा का पद समाप्त किया गया, ये भी सही है, उच्च जाति के हिंदुओं को
हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ये गलत है। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, T.R. होम्स ने। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, चार्ल्स वुड स्पेस को। नेक्स्ट, भारत में हिंदी भाषा को प्रकाशित हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, उदन मारतंड। किसने कहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकृत किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, प्रफुल्ल चौकी को। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य परिषद यानी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, 10 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान सही है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना ये भी सही है, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, 1, 2, 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, शैली है और मंदिर है, तो महेंद्र वर्मन शैली, तो ये भैरव कुंड मंडप हो जाएगा, और मालल शैली इसका हो जाएगा सप्त पैगेड़ा, और राज सिंह शैली इसका हो जाएगा वैकुंठ वेरूपल मंदिर, और अपराजित शैली में हो जाएगा मातंगेश्वर मंदिर, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सी ए बी और डी। निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए, पहला है विजयादित्य, विनयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम, इनको सही तिथि क्रम के अनुसार चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 3 से होगा, यानी कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर विनयादित्य, फिर विजयादित्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी, तो यानी 35 से 70 वर्ष की आयु, वेदों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, और निज घर में निवास, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रणजीत सिंह की फौज खास के सदस्य थे, तो यानी ये हो जाएगा वेंटूरा, फिर उसके बाद में देवा सिंह, फिर इलाही बक्स, और फिर अलार्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, ए सी डी और ई। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्री परिषद के बारे में निम्न से कौन सा जोड़ा सही है, पहला है अमात्य वित्त मंत्री सही है, और सचिव सामान्य प्रशासन गलत है, और सुमंत विदेश मंत्री ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है, तो यानी द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ऑरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन सही है, हु वर द सुधराज ये भी सही है, रनाडे गांधी और जिन्ना ये भी सही है, और रिडल्स इन हिंदुज़म ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, ए बी सी डी यानी चारों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था, तो यानी सिकंदर हयात खान भी थे, फजलुक अक भी थे, और फजल उल अक भी थे, लेकिन मोहम्मद इकबाल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा। नेक्स्ट, भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो यानी सुलेमान भी है, किरथर भी है, हिंदुकुश भी है, लेकिन पटकोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। प्राचीन भारत में दंडकारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, दक्कन के पठार में। नेक्स्ट, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, क्वार्ट्जाइट से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साइज सम्मिलित नहीं है, प्राग ऐतिहासिक स्थल है और राज्य है, तो अतिरमपक्कम है तमिलनाडु में, और नागार्जुनकोंडा है आंध्र प्रदेश में, और उनसंगी है कर्नाटक में, ईमान गांव है गुजरात, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक राग के टीले संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, दक्षिण भारत में कपित है नवपाषाण स्थलों से। नेक्स्ट, मध्य पाषाणकालीन स्थल में बागोर का उत्खनन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, V.N. मिश्र ने। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो बालाकोट ये हो जाएगा बलूचिस्तान में, और चंदोड़ हो जाएगा सिंध में, और भगतराव हो जाएगा गुजरात में,
और रोपड़ हो जाएगा पंजाब में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, यानी सैलकड़ी का भी होता था, चांदी का भी होता था, कैल्साइट का भी होता था, लेकिन लोहे का नहीं होता था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये AL भाषा में कहा था। नेक्स्ट, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड मॉडल मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धोलावीरा से। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में सुदर्वण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10वें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं थे, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रुद्र। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन में प्रेरणाता कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कणाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोफत। नेक्स्ट, चित्रे दूसरे मृदवान संस्कृति का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोहे युगीन सभ्यता से। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अश्मक। लिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो यानी सबसे पूर्व में है अंग, फिर काशी, फिर कौशल, फिर मत्स्य, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अवंतिका के राजा को राजा की चिकित्सा के लिए किसे भेजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा, जीविक को। नेक्स्ट, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिलांकटक और रथमुसल हथियार का प्रयोग किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पहला है बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया, सही है, और प्रतित्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत था, यह भी सही है, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, गलत है, और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धर्म व संघ, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लकुलिश। नेक्स्ट, वल्लभी की द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देवदिनी गणी। नेक्स्ट, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मुगल मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, तो यानी किरान उस साधन ये भी है, और मिफ्ता उल फुतो ये भी इनकी है, और जागीर फतवाई जागीरदार ये गलत है, और नू सिपहर ये भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दीवाने मुख्तराज की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, हाफिफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वराजत की सर्वाधिक विकास हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुगलक अंश के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, तो इल्तुमिस ने सुल्तानगढ़ी सही है, बलबन जमैया खाना मस्जिद गलत है, अलाउद्दीन खिलजी हजार सितून महल सही है, और जूनासा खाने जा तेलंगानी का मकबरा ये भी सही है, तो ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बख्तियार का की ये हो जाएगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित, और जलाउद्दीन तबरीजी इसका हो जाएगा सुहारवर्दी, और शाह नियामुद्दौला इसका हो जाएगा कादरी, और ख्वाजा बक्की बिल्ला इसका हो जाएगा नक्शबंदी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट, द्वैतवाद का संबंध किस संशय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निम्बार्क से। नेक्स्ट, निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किससे है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरु नानक से। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने कहा है कि फुजून दिल्ली दूरस्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निजामुद्दीन ओलिया ने। नेक्स्ट, भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चैतन्य ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सैयद बंधु की सहायता के बिना शासक बना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहांदार शाह। सुमेलित करना है राज्य है और शासक है, तो हैदराबाद के थे सियाउद्दीन अली खां, और अवध के थे निजाम उल मुल्क आसफ जहां, और बंगाल के थे
मुर्शिद कुली खां और मैसूर के थे हैदर अली। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 4-3-1-2।